हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अचीवर जोन। मैं विवेक आज आप लोगों से एक नया पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ पाइपलाइन सिस्टम का। और जिन्होंने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया उन्हें पाइपलाइन सिस्टम बहुत इजी लगने वाला है। सो दिस इज मास्टर क्लास ऑफ पाइपलाइन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इसको। और डिस्क्रिप्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं यार, पढ़ सकते हो जो लोग पहली बार आए हैं, लगभग सभी जगहों पर मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना ठीक है। और मेन चीज ये कैसे पढ़ना है हमेशा की तरह समझ लो, पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ना स्किप करना है और ना ही 5-10 मिनट छोड़ के भागना है, अदरवाइज फिर फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर मज़े के लिए आए हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज सिंसियरली पढ़ना है तो शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो पढ़ें। और अपने नोट्स बनाने के लिए पहले आप जब वीडियो पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ों को सॉल्व करें, उनके आंसर्स दें, कमेंट सेक्शन पर लिखें। मैं लाइव हूँ आप लोग के साथ, कमेंट्स आपके सबके पढ़ रहा हूँ, सो मैं उनको देखता जाऊँगा। और साथ ही साथ आप नोट्स इसके बाद बनाएं, दोबारा इसको वीडियो को रिवाइंड करें और फिर आप इसके नोट्स बनाएं, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट मिल पाएगा। अब इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए बना है, वहाँ पर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर, वीडियो लिंक सब कुछ मिल जाएंगे, सो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको बाकी वीडियोस पढ़ने हैं बाकी चैप्टर्स के, जैसे किसी और एग्ज़ाम के लिए या सीटेट के ही और चैप्टर जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वो लोग प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें, वो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और उस पर 1 by 1 वीडियोज़ को पढ़ें, बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर पर दिए गए हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम में फ़र्क क्या था कि टाइम एंड वर्क पे लोग थे जो किसी वर्क को कर रहे थे, और पाइपलाइन सिस्टम में पाइप्स हैं जो किसी वर्क के अकॉर्डिंग, या क्या होगा, टंकी होगी, टैंक होगा, सिस्टम को ही टंकी बोलते हैं, जो किसी टंकी को भरेंगे या फिर खाली करेंगे, राइट। अब टाइम एंड वर्क पे वर्क हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन पाइपलाइन सिस्टम पे नेगेटिव वर्क, मतलब खाली करने वाले पाइप होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे पाइप भरने वाले भी होंगे और खाली करने वाले भी होंगे। कॉन्सेप्ट जितने आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़े उतने सारे के सारे यहाँ पर भी आपके बन सकते हैं। सो 1 by 1 आप चीज़ों को करेंगे, और बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं बिकॉज आप ऑलरेडी टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, ईजी क्वेश्चन तो निपटा देंगे। और बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अपनी बुक से या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं, कोई बेसिक की बुक है, वहाँ से क्वेश्चन को देखिएगा, राइट। एग्जाम के लिए जितनी नीट है उससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब जैसे क्वेश्चन है, आप टाइम एंड वर्क में ऐसी चीज़ पढ़ते थे, डायरेक्टली समझो यार कि एक टैप है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, एक नल है ए जो किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। अनदर टैप बी कैन एम्प्टी इट इन 18 मिनट, एक दूसरा नल भी है बी जो कि इसे 18 मिनट में एम्प्टी कर सकता है, खाली कर सकता है, ठीक है। तो पहला नल जो है वो इसको क्या कर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 18 मिनट में खाली कर सकता है। सो बी इज नेगेटिव पाइप एंड ए इज पॉजिटिव पाइप। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव भाई जो भर रहा है और नेगेटिव जो खाली कर रहा है, इसको फिलिंग पाइप और ड्रेन पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं या सीधे फिलिंग और एम्प्टी भी बोल सकते हैं। करें इन व्हाट टाइम विल बोथ द पाइप्स फिल द टैंक टुगेदर, दोनों पाइप मिलकर टंकी कितने समय भरेंगे। कंडीशनल चीज़ है यार कि कंडीशंस कैसी हैं, एफिशिएंसी पर बेस्ड करता है। तो ए 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 18 मिनट में खाली कर सकता है। सो इनका एलसीएम लिया दोनों का 36। ये 36 क्या आया, ये 36 आई टैंक की कैपेसिटी। पहला क्वेश्चन, क्या ये टैंक की कैपेसिटी एक्चुअल है, नहीं, एक मानी हुई वैल्यू है, एक एलसीएम लिया ना, मानी हुई वैल्यू है, इसके मल्टीपल में ऐसे फैक्टर पे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। अब निकाले पाइप की स्पीड, तो यहाँ पर इफिशियंसी को हम लोग स्पीड बोलेंगे, तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 यूनिट, और बी की इफिशियंसी कितनी, सॉरी ए की इफिशियंसी आएगी 3 यूनिट और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 2 यूनिट, माइनस पे क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। अब कहते हैं दोनों एक साथ खोले, तो खुद समझो यार, दोनों एक साथ खोले तो हो क्या रहा होगा, कि पहला जो पाइप है वो यूनिट टाइम पे 3 यूनिट भर रहा होगा, समझ ले 3 लीटर मान लेते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन लीटर में कंसिडर कर लेते हैं जैसा आप चाहें। तो जो पाइप ए है अगर वो 3 लीटर भर रहा है और पाइप भी 2 निगेटिव करता है, मतलब उसमें से 2 बाहर निकाल देता है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या मिलता है यार, ए 3 लीटर डाल रहा है, 2 लीटर बाहर निकाल लेता है, तो रिजल्टेंट तो एक ही बचा ना, तो 1 लीटर के रेट से लगातार क्या होगा, भरता चला जाएगा, बिकॉज ओवरऑल रिजल्टेंट प्लस वन भरेगा। कहीं अगर निगेटिव होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन होता। आगे से डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भरेंगे तो 36 भरना है, कितने के रेट से, 1 के रेट से, तो अगर पूछें यहाँ पर टाइम कितना लगेगा तो 36 मिनट ही यहाँ पर लग जाएंगे। तो बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया, तो बस खत्म। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझो और थोड़े और चेंजेस को समझो यहाँ पर आप लोग, बहुत ईजी था, सभी को आ गया होगा यार। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, पाइप ए है जो किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एंड 2 नेगेटिव पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 and 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली, 2 नेगेटिव पाइप है जो कि इसे 6 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो भाई ठीक है, चलो काम कराते हैं इनसे, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। पाइप ए, अब देखो
पाइप ए क्या कर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है, तो ए 3 घंटे में पॉजिटिव पाइप है। दो पाइप हैं जो कि इसको खाली कर सकते हैं 6 और 10 घंटे में, तो बी और सी हैं। बी जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है और सी खाली कर सकता है 10 घंटे में। तो ये दोनों के दोनों पाइप निगेटिव है, निगेटिव बस ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इफ़ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएँ एक खाली टंकी में, यानी एम्प्टी टैंक, अगर तीनों पाइप एक खाली टंकी में खोल दिए जाएँ, देन इन वॉट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली, टंकी पूरी तरीके से कितने समय में भर जाएगी। आप यहाँ पर ले लें सबसे पहले एलसीएम, 3 6 10 का एलसीएम कितना होगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 30। यूनिट टाइम का वर्क कितना आएगा, इसका तो आएगा 3 का कितना 10, ठीक है, इसका आएगा 10, इसका कितना आ जाएगा 5, और ये जो 5 आएगा ये निगेटिव होगा, और इसका कितना आएगा यहाँ पर 10 3 से 30, माइनस का 3 आएगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, इन वॉट टाइम, अब क्या बोला गया, तीनों खोल दिया गया है, ऑल द थ्री आर ओपन, तीनों खोल दिया गया, कितना समय लगेगा यार, इजी है। जब तीनों को यहाँ पर ओपन कर दोगे तो देखो क्या होगा, ए 10 के रेट से फिल कर रहा है, जो बी और सी हैं ये ओवरऑल दोनों नेगेटिव है तो दोनों खाली कर रहे होंगे, और किस रेट से, 5 और 3 मतलब 8 के रेट से, तो ए 10 के रेट से फिल करता है, बाकी दोनों 8 के रेट से एम्प्टी करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या मिलता है यार, दो मिलेगा ना पॉजिटिव 2 यूनिट, 10 लीटर ए ने भरा और बी और सी ने मिलकर 8 लीटर खाली कर दिया, तो 2 ही लीटर बचा ना। तो अगर पूछें इसको टाइम कितना लगेगा, तो ये आप बोलेंगे 30/2, तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए 15, तो 15 क्या आता है 15 आवर्स में, है ना, 15 घंटे में टंकी पूरी यहाँ पर भर जाएगी, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर समझे कुछ चीज़ों को, जैसे कई बार लोगों को यहाँ पर क्या होता है, रिजल्टेंट में थोड़ा सा डाउट होता है, तो उस रिजल्टेंट में डाउट को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लें, अब समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से। जैसे कभी भी अगर आपसे यहाँ पर बोला जाए कि जो रिजल्टेंट है पाइप्स का ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, तो कंडीशन क्या होगी, और अगर रिजल्टेंट ऐसा है तो फिर नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। जैसे कभी भी अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव है तो डिपेंड करता है कि टैंक की भी कंडीशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव है तो ये बात श्योर है टंकी भरेगी। अब अगर टंकी पूरी खाली है तो वो जीरो लेवल से स्टार्ट करके भर जाएगी किसी भी एक डेफिनेट टाइम पे, डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिजल्टेंट, क्या है रिजल्टेंट, कितना ज़्यादा कितना कम। अगर टंकी बीच पे किसी लेवल पे, मतलब थोड़ी भरी है या थोड़ी खाली है, तो भी वो भर ही जाएगी, कन्फर्म ये रिजल्टेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर कभी भी रिजल्टेंट यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देता है, अगर रिजल्टेंट नेगेटिव दिखाई दे तो ये बात श्योर है टंकी कभी भी भर नहीं पाएगी। दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो टंकी पूरी भरी हो या फिर वो क्या हो, थोड़ी भरी हो और थोड़ी खाली हो। तो अगर टंकी पूरी भरी है तो रिजल्टेंट नेगेटिव होने की वजह से धीमे धीमे वो एक स्टेज पर जाकर खाली हो जाएगी, अगर थोड़ी खाली है तो भी खाली होगी। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि टंकी खाली ही हो, रिजल्टेंट नेगेटिव है और पाइप खोल दिए गए, पाइप खोलने के बाद रिजल्टेंट नेगेटिव दिखा, तो ये कंडीशन कभी आपको दिखी नहीं है, मुझे आज तक कभी क्वेश्चन पर नहीं दिखी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए टंकी कभी भी भर नहीं पाएगी। जैसे कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, डाउट आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्टेंट नेगेटिव है, चलो ठीक है, टंकी क्यों यहाँ पर भर नहीं पा रही जबकि भरने वाले पाइप तो प्रेजेंट हैं। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ लॉजिक की बात है, टंकी इसलिए नहीं भर पा रही क्योंकि भरने वालों की स्पीड बहुत कम है, ठीक है, खाली करने वाले की स्पीड ज़्यादा है। जैसे मान लो दो लोग हैं यार, दो लोग हैं, आपके मम्मी और पापा, ठीक है, आपके पेरेंट्स हो गए। अब पापा आपको हर दिन देते हैं 500 रुपये और मम्मी देती हैं हर दिन 200 रुपये, तो आपके पास हर दिन कितने आते हैं, 700 रुपये आते हैं। बट अब यहाँ पर क्या है कि आपको खर्च करने हैं कितने रुपए, 1000 रुपए, आपका खर्चा हर दिन का 1000 रुपए का है। अब कहाँ पे खर्चा है मैं नहीं बताऊंगा सब, ठीक है, आपका खर्चा 1000 रुपए का, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, कहीं पेट्रोल पे, खाने पीने में, घूमने फिरने में 1000 रुपए आप डेली उड़ा देते हो। तो अब जरा एक बात बताओ कि क्या कभी भी ये कमी पूरी हो पाएगी जो बीच में आपका 300 रुपए गैप आ गया। आप कहोगे सर मम्मी पापा दे तो रहे हैं 700 रुपए, फिर क्यों नहीं खर्चे पूरे हो पा रहे हैं। तो बेटा जी, आपके खर्चे इसलिए नहीं पूरे हो पा रहे हैं क्योंकि आपका जो फ्लो आपको मिल रहा है पैसे का, जो कैश फ्लो मिल रहा है वो कम है, और आप जो खर्च कर देते हो वो चीज़ को ज़्यादा है। समझ में आया क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज आपका ओवरऑल रिजल्टेंट नेगेटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव कहाँ से हो पाएगा यार, समझ में बात आ रही है। अच्छा, जीरो कब होगा, जीरो का मतलब ये कि भाई जितना खाली करने वाला उतना ही भरने वाला, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिस भी स्टेज पे उसी स्टेज पे बनी रहेगी टंकी, ना पानी आगे बढ़ेगा ना कुछ लेवल पे चेंज होगा, भरी है तो भरी रहेगी, खाली है तो खाली रहेगी, किसी बीच में लेवल पे है तो उसी लेवल पर रहेगी, आगे बढ़े, समझो भाई। अब क्या है इसके बाद, ये क्वेश्चन देखो, आपसे बोला गया टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, दो पाइप है किसी टंकी को 15-12 घंटे में भर सकते हैं, वाइल अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, जबकि तीसरा पाइप है इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है। इफ दिस पाइप्स आर ओपन एट 8, 9 एंड 11 AM रिस्पेक्टिवली, यदि इन पाइपों क्रमशः 8, 9, 11 बजे खोला जाए, देन फाइंड एट वॉट टाइम द टैंक विल बी एम्प्टीड, तो बताना टंकी कितने बजे यहाँ पर
खाली हो जाएगी, ठीक है। फाइंड एट वॉट टाइम टैंक विल बी एम्प्टी, टंकी कितने बजे यहाँ पर खाली होगी। तो समझो भाई क्या होना चाहिए यहाँ पर, आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि साथ साथ करो इस चीज़ को आप, तो कि जो पाइप हैं ए और बी ये क्या हैं, भरने वाले हैं। तो ये दोनों के पाइप क्या करते हैं, 15 और 12 के रेट से टंकी को भरते हैं। और तीसरा पाइप क्या करता है, इसको खाली करता है 4 घंटे में, खाली कर सकता है। तो थर्ड वन इज़ निगेटिव पाइप, 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो आपने इनका ले लिया एलसीएम, एलसीएम कितना बनेगा इन लोगों का, 60। 60 बना तो यूनिट टाइम वर्क क्या आएगा यहाँ पर, या इनकी इफिशियंसी या फ्लो जो भी बोलो, 4 पॉजिटिव है यहाँ पर, 5 पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, 4 से 15, ये जो 15 आएगा ये क्या आएगा, निगेटिव। 15 जो आएगा ये निगेटिव आएगा, ठीक है, खाली करने वाला। अब आपको समझना है यहाँ पर हो क्या रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दीज पाइप्स आर ओपेंड एट 8, 9 एंड 11 AM रिस्पेक्टिवली। तो भाई इस कंडीशन थोड़ा सा बना के समझो कि 8 बजे क्या होगा। 8 बजे पाइप ए खोला गया, 9 बजे पाइप बी खोला गया, 11 बजे पाइप सी। बिना बनाए कुछ समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। 8 बजे जब पाइप ए खोला गया और 9 बजे पाइप बी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 8 से लेकर 9 के बीच जो 1 घंटे की ड्यूरेशन है, इसमें केवल एक पाइप ने काम किया, पाइप ए ने, तो इसने कितना यूनिट भर दिया होगा, 4 यूनिट भरा होगा, क्योंकि केवल भरने वाला ही खाली है। बात समझ में आ रही, माइंड पे रखना है इन सब चीज़ों को, कैलकुलेशन माइंड पे होनी चाहिए। आगे देखो, 9 बजे पाइप बी को खोल दिया गया, तो अभी तक ए था, अब साथ में बी भी है, तो अब ए और बी दोनों के दोनों भर रहे होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, दोनों के दोनों जब भरेंगे तो कितना यूनिट फिल करेंगे यहाँ पर, 9 यूनिट इस रेट से फिल करेंगे। अच्छा, 9 से लेकर कब तक इन्होंने फिल किया होगा, बिना रुके 11 तक फिल करते रहे। अगर ये दोनों के दोनों पाइप ए और बी 9 से लेकर 11 के बीच फिल करें तो 2 घंटे में फिल करें होंगे, यूनिट टाइम पे 9 यूनिट फिल करते हैं, 2 घंटे में कितना इन्होंने फिल कर दिया होगा, 18 यूनिट फिल कर दिया होगा। तो 11 बजे, डियर, बात समझ में आएगी, 11 बजे कंडीशन ये होगी कि 18 प्लस 4 यानी कि 22 यूनिट भर चुका होगा। और अब खोल दिया गया तीसरा पाइप भी, तीसरा पाइप भी मतलब सी भी, तो अब क्या होगा, तीनों के तीनों पाइप यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल 5, 4, 9 के रेट से ए और बी भर सकते थे, बट अब 15 के रेट से सी खाली भी कर सकता है और तीनों एक साथ हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट लेंगे, बोलो, ये 22 भर चुका है, 22 यूनिट यहाँ पर फिल हो चुका है और अब खाली होना स्टार्ट होगा, बिकॉज रिजल्टेंट नेगेटिव है। और रिजल्टेंट कितना नेगेटिव है, देखो इस सबको एक साथ समझो, रिजल्टेंट कितना नेगेटिव है, 6 के रेट से ना, -6, 6 के रेट से रिजल्टेंट यहाँ पर नेगेटिव है। और अब बताओ जरा 11 के बाद क्या होगा, टंकी खाली होना स्टार्ट होगी, खाली कितनी होगी ये बात बताओ। कई बार लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 60 था, 22 भर गया, वो बचे हुए जो 38 पार्ट है उसको यहाँ फिल करने लगेंगे, भाई गलत हो जाएगा। 22 जो भरा था, प्रैक्टिकली समझना यहाँ पर दिमाग से, जो 22 यूनिट भरा था वही 22 खाली होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब वही 22 खाली होना स्टार्ट होगा तो कितने के रेट से खाली होगा, 6 के रेट से। तो अगर टाइम की बात करते हैं कि टाइम कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 22/6, 22/6 यानी कितना हो गया, 11/3। 11/3 का मतलब क्या हो गया भैया, 11/3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 3 3 9, 9 होल 2/3 आवर्स। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 9 होल 2/3 आवर्स का मतलब, सॉरी, 3 होल 2/3 आवर्स, सॉरी शक्तिमान, 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट इसको लगे होंगे कब, खाली हो जाने में, क्योंकि जो भरा है उसको खाली होने में 3 घंटे 40 मिनट लगे। समझ में आया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी कम करी, अभी आगे दिखा दे रहा हूँ यार, परेशान मत हो, पहले इसको समझो, अदरवाइज बेसिक पूरा बता रहा हूँ अभी। 3 घंटे 40 मिनट लगे कब, 11 बजे के बाद। अब यहाँ पे पूछते हैं कितने बजे खाली होगी, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट जोड़ो, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 बज गया, 40 मिनट और जोड़ दो, तो 2:40 आंसर आ जाएगा, पॉसिबल होगा कि नहीं, 2:40 PM इसका आंसर हो गया, बस खत्म, इतना ही था यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर 2:40 PM, लिखने की जगह नहीं मेरे पास, तो अब आप लोग समझे, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा देखो, यहाँ छोटी सी जगह है, 2:40 PM, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पर, समझ गए आप सभी लोग। चलो, अब जिन्हें इसको अच्छी राइटिंग सॉल्यूशन देखना वो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या है भाई, ये चीज़ देखो, ये पूरा पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि यहाँ पर हुआ क्या था। 8 बजे खोला गया पाइप ए, तो फिर 9 बजे बी, और फिर सी बजे 11 बजे खोला गया। तो मैंने यही चीज़ समझनी थी कि 8 से लेकर 9 के बीच 1 घंटे ड्यूरेशन में ए ने काम किया, 9 से लेकर 11 के बीच चूंकि अब बी भी आ गया है तो 2 घंटे के ड्यूरेशन पे ए और बी ने मिलकर काम किया। और क्योंकि अब सी भी ओपन कर दिया गया और रिजल्टेंट नेगेटिव हो गया 6 से, तो अब ये खाली होगा, कितने भी टाइम पर खाली हो सकता है, वही टाइम निकालना है। और जब इसको निकालने की बारी आती है तो बस अब कुछ करना क्या है आप लोगों को यहाँ पर, ये चीज़ तो समझ ही गए ना कि 8 से 9 कितना भरा था, ये सारे सारा सारा पार्ट समझ गए। यही 22 अब खाली होगा, और 22 कितने के रेट से खाली होगा, तो आपने कहा सर ये 22 आपका खाली होना स्टार्ट होगा कितने के रेट से, 6 के रेट से। तो टाइम कितना लेगा यहाँ पर, ये ऐसे बोल दो कि सर 22 खाली होगा 6 के रेट से, तो 11/3, वही चीज़ें यार बताई अभी आपको कि 3 घंटे 40 मिनट,
तो उसको अपने को ऐड करना पड़ेगा, 2:40 2:40 PM पे ये टंकी पूरी खाली हो जाएगी। सो आई होप यार चीज़ें समझ में आई होंगी, ऐसा कोई टफ पार्ट नहीं है जो आप ना समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है, एक देखो अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया 3 pipes ABC कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 6 hours। 3 pipes ABC किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं मिलके। 3 pipes ABC किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं यहाँ पर मिलके। फिर क्या बोला गया, ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर 2 hours। सभी पाइप्स को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। देन पाइप सी इज क्लोज्ड। अब पाइप सी बंद कर देते हैं एंड द रिमेनिंग पार्ट इज फिल्ड बाई ए एंड बी इन 7 hours। पाइप सी बंद कर देते हैं और शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। देन इन वॉट टाइम कैन सी एलोन फिल द टैंक। तो सी अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ठीक है, सी अकेला इस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है ये यहाँ पर पूछा गया। तो देखो भाई क्या होगा, समझो फिर से यहाँ पर कई सारी चीज़ें। क्या कहते हैं कि पाइप हैं ABC 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो ABC अगर मिल जाते हैं तो 6 घंटे में भर सकते हैं ये। 6 hours में पूरे पूरे पाइप के थ्रू टंकी भर जाएगी। तीनों को खोला जाता है 2 घंटे में। भाई एक बात बताओ, 6 घंटे में पूरा भरते हैं तो 2 घंटे की बात करें तो क्या होगा। 2 घंटे में क्या हम ये बोल सकते हैं कि टैंक का 1/3 part जो होगा ये भर जाएगा। अब यहाँ पर जो सीधे लोग हैं नहीं समझ पाए कैसे हो गया। तो भाई 6 घंटे में जब पूरा भरता है तो 2 घंटे में कितना भरेगा, देखो डिवाइड कर दो यहाँ से कितना भरेगा, 1/3 part यहाँ पर भर चुका होगा। बात क्लियर है ना। तो 2 घंटे में 1/3 part फिल कर दिया। ये चीज़ें माइंड पे रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, 6 घंटे में पूरा भर रहा था, 2 घंटे में 1/3 part फिल हो गया। फिर कहते हैं ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर 2 hours, देन पाइप सी इज क्लोज्ड। अब पाइप सी बंद कर दिया तो पाइप ए और बी बचे होंगे यहाँ पर। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज फिल्ड बाई ए एंड बी इन 7 hours। ठीक है, अब जरा बताओ 1/3 part अगर फिल हो गया तो बचता कितना पार्ट है, क्या 2/3 part बचता है। और जो 2/3 part बचता है इसको किसने भरा, ए और बी ने, कितने घंटे में भरा, 7 घंटे में। ये बात कन्फर्म है, देख लो क्वेश्चन में जो बोला वही लिख रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ के बाद बताइए यहाँ पर कि ए और बी अगर 2/3 part को भर कर सकते हैं कितने में, 7 hours में, तो ये पूरे को कितने में भर देंगे। क्या ये ऐसा हो जाएगा 7 × 3/2 21/2 घंटे में, क्या ये पूरे पार्ट को 21/2 घंटे में भर सकते हैं। बोलो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया हमारे पास कि ए बी सी मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं और अगर ए और बी की बात करें तो ए और बी मिलके पूरी टंकी को 21/2 घंटे में भर सकते हैं। तो अब सी की बात पूछी गई है, सी के लिए ही मैंने इतना बवाल किया यहाँ पर और अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये क्लियर है कि नहीं कि ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं और ए और बी मिलके 21/2 घंटे में भर सकते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे आगे बढ़ते हैं कि ये सब तो हो गया सीधे समझ गए कि सिंपल सी बात, अगर ए बी सी भर सकते हैं कितने में, 6 घंटे में, और ए और बी भर सकते हैं कितने में, 21/2 घंटे में, तो क्या होगा आंसर निकलेगा। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो 6 और 21/2, कभी भी अगर फ्रैक्शन में एलसीएम लेना हुआ करे इधर टाइम एंड वर्क पे, तो अब सिंपली क्या किया करो, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया करो 42, यही आएगा आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर के बारे में इतना सोचा ही मत करो। तो ये क्या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एलसीएम एससीए पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा चुका हूँ वैसे। आप जिन्होंने एलसीएम एससीए नहीं पढ़ा है वो एलसीएम एससीए की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख लीजिएगा। जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सीटेट के एग्जाम की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आपको सीक्वेंस में पहले नंबर सिस्टम मिलेगा फिर एलसीएम एससीएफ मिलेगा, तो वहाँ से पढ़ लेना। वापस आते हैं, एलसीएम 42 होगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो एबीसी का यूनिट टाइम वर्क 7 यूनिट होता है। ठीक है, ए और बी का निकालने के लिए 21/2 से डिवाइड करना, तो ये क्या आएगा 4, तो ये ए और बी का कितना वर्क आता है 4 यूनिट। तो ए बी सी का मिला के 7 यूनिट आता है, ए और बी का मिला के 4 यूनिट आता है। तो यहाँ पर अगर हम पूछे सी की एफिशिएंसी क्या है, तो भाई ए बी सी 7 और A और B 4, तो क्या सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी। बोलो भाई ये 42 यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क ही तो है ना, या टैंक की कैपेसिटी ही तो है ना जो भरनी है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा सी को इसे भरने में, तो 42 भरेगा अगर सी अकेला अपनी कैपेसिटी यानी कि 3 से, तो 14 घंटे नहीं लग जाएंगे। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, ईजिली आप इसको समझ सकते थे। तो देखो भाई समझ में आया कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेरा नंबर आपके पास है, ग्रुप बना हुआ है, कहीं पर भी आकर पूछ सकते हो चीज़ को। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझें। ये क्वेश्चन देखो, ये टैंक की कैपेसिटी निकालने वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पे टंकी की क्षमता आपसे पूछा जाएगा। और यार ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्ज़ाम पे रिपीट काफ़ी होते हैं, तो इसको समझिए थोड़ा ध्यान से क्या है यहाँ पर।
क्या बोला गया यहाँ पर, आपसे कहते हैं कि टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप हैं ए और बी, ये किसी टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में भर सकता है और बी भर सकता है इसको 24 मिनट में। ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट बाई रेट 6 लीटर पर मिनट। जो तीसरा पाइप है सी ले लेते हैं इसको, ये निगेटिव पाइप है और ये टंकी को क्या कर रहा है यहाँ पर, खाली कर रहा है। और खाली करता है कितने के रेट से, इसको खाली करता है ये 6 लीटर पर मिनट के रेट से, मतलब हर मिनट 6 लीटर यहाँ से टैंकी से पानी बाहर निकाल देता है। कहते हैं ऑल द थ्री पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 15 मिनट। अगर तीनों पाइप एक साथ काम करें तो ये टंकी को भर देते हैं कितने मिनट में, 15 मिनट पे। देखो फाइनली यहाँ पर भी टंकी भर ही रही है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टंकी की क्षमता बताएं। अब डियर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें ऐसे क्वेश्चंस का तो आप कर पाएंगे, और खुद से ही ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करें। ऐसे में क्या होगा, हमेशा टंकी की क्षमता तो आपको पता है कि हम लोग एक अननोन वैल्यू लेते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान इस पर देना रहता है कि किस पाइप का फ्लो दिया है। अब हो सकता है पाइप भरने वाला हो, ये भी हो सकता है पाइप खाली करने वाला हो। अगर पाइप भरने वाला है तो उसका फ्लो देखते हुए आप ये सोचें या ये निकालने की कोशिश करें कि जो भरने वाला पाइप है अगर वो टंकी को अकेले पूरा पूरा भरे, भरने वाला पाइप अकेले भरे पूरी टंकी को, तो वो कितना समय लेगा। और अगर खाली करने वाला है तो आप ये देखने की कोशिश करें कि खाली करने वाला पाइप पूरी टंकी को अकेले खाली करने में कितना टाइम लेगा। भरने वाला है तो भरने में कितना टाइम लेगा, और खाली करने वाला है तो पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा। जैसे ही टाइम निकाल लिया तो आपको बहुत सिंपल हो जाता है कि कैपेसिटी अगर निकालनी है तो आप उसको रेट इंटू फ्लो कर, जो फ्लो है इंटू टाइम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो क्या बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छे से समझो। अब सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 120। अब ये मत कह देना सर ये 120 यहाँ पर कैपेसिटी है, 120 एक मानी हुई वैल्यू है, कंसिडर्ड वैल्यू है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर बोला गया आप लोगों से कि 120। अब यूनिट टाइम वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ए का 6 आ जाएगा, बी का कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और ए बी सी का कितना आ जाएगा, 15 से 8 बार 8 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जिसका फ्लो दिया है, किसका फ्लो दिया है, सी का। जिसका फ्लो दिया है वो देखिए कितना समय निकालेगा। अब निगेटिव है तो मुझे निकालना है कि अगर ये पूरी पूरी टैंक की कैपेसिटी, मतलब अगर 120 को खाली करे तो कितना समय लेगा। तो भाई पहले निकालो जरा, ए और बी मिलकर कितना बनाते हैं, 11। लेकिन जहाँ से देखो जैसे ही ए बी सी आ जाते हैं तो 8 पे आ जाते हैं। ए और बी मिलकर 11 कैपेसिटी भर सकते थे, बट ए बी सी जैसे ही हो गए तो केवल 8 ही भर पाते हैं। अब ये केवल 8 कैपेसिटी भर पाते हैं उसका क्या रीज़न है यार? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर सी निगेटिव भी है। तो अगर 11 से सीधे 8 पे आए तो सी भाई साहब कितने के रेट से खाली कर रहे होंगे, 3 के रेट से खाली कर रहे होंगे ना। 11 से सीधे 8 पे अगर आते हैं तो सी भाई साहब 3 के रेट से खाली कर रहे होंगे। अच्छा, सी अगर 3 के रेट से खाली करेगा तो सी खाली करेगा कितना, 120 कैपेसिटी। तो टाइम कितना लगेगा इसको खाली करने में, सी 120 कैपेसिटी खाली करेगा 3 के रेट से। तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि इसको पूरी टंकी खाली करने में 40 मिनट लग जाएंगे? जल्दी बताइए, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि इसको पूरी टंकी खाली करने में 40 मिनट लग जाएंगे? हाँ सही है ना, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक देख लेना एक बार, अगर भरने वाला तो मैं भरने में टाइम निकालता। अब एक बात बताइए कि अगर ये 40 मिनट लगाता तो ये पूरी टंकी खाली कर लेता, ये 1 मिनट में कितना खाली करता है? तो आपने कहा सर 1 मिनट में तो ये 6 लीटर खाली करता है, देखो यहाँ दिख रहा है। तो अगर 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है तो भाई यही पाइप 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 6 × 40। तो 6 × 40 मतलब इसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी कितना आ गया, 40 × 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 240 लीटर, ठीक है। 240 लीटर आ जाएगा, ये आपका इसकी कैपेसिटी हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? देख लो इतना इजी है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा है, उम्मीद कम है आपके एग्जाम पे आने की, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर लेकर चलूँ यार वो बनेगा नहीं, मेरा वो पढ़ाने का तरीका ही नहीं है। सो आपको एक अच्छे लेवल की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जब अच्छे क्वेश्चन आए तो उनको भी कर पाएँ। हर दिन लेवल बढ़ रहा है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आया होगा, और इसका अगर आप सॉल्यूशन अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये लो अच्छी राइटिंग में भाई लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहले इसको 40 मिनट लगे थे और ये क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है रेट इंटू टाइम। ये चीज़ याद कर लो आप लोग, रेट कितना है 40 × टाइम, रेट 6 है इधर उधर लिख गया है, और टाइम कितना है 40, सो 240 लीटर आ जाएगा। और ध्यान रखना इनके यूनिट सेम होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। सो ये क्वेश्चन समझ गए मेरे अकॉर्डिंग, किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, ये देखें, बोला गया एक पाइप है टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 5 लीटर पर मिनट के रेट से खाली करता है, तो सीधे सीधे ये निगेटिव पाइप आ गया।
कहते हैं बोथ द पाइप्स आर ओपनड इन एम्प्टी टैंक, दोनों पाइप खाली टंकी में खोले जाते हैं। द टैंक इज फिल्ड इन 100 मिनट, टंकी 100 मिनट में भर जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टंकी क्षमता बताएं। अभी करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, अभी के अभी करो और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। पहला है 20 मिनट में भर रहा है, जब दो मिल जाते हैं तो इनको भरने में 100 मिनट लगते हैं क्योंकि दूसरा नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई दो ही हैं। कितना एलसीएम होगा 100, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना होगा 1, ये कितना नेगेटिव होगा ये देखो, कितना टाइम लगेगा वो देखो, और कैपेसिटी इक्वल्स रेट इनटू टाइम करो, आंसर अभी के अभी कमेंट करो, ठीक है। बैठना नहीं, आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको 30 सेकंड के अंदर ख़त्म होना चाहिए, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है यार, बहुत बेसिक। तो 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को ख़त्म करो और मुझे आंसर बताओ, देख लो जल्दी से क्या होना चाहिए। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टंकी की क्षमता आपको बतानी है भाई। बी तो दिख गया होगा ना कि बी 4 के रेट से नेगेटिव होगा, बी जो है ये -4 होगा क्योंकि 5 से सीधा चीज़ 1 पे आई है क्योंकि अभी भी भर ही रहा है तो इसलिए वो पॉजिटिव है। अब बी अगर 4 के रेट से नेगेटिव है तो टाइम कितना लेगा इस टंकी को खाली करने में, टाइम लेगा 100/4 मीन्स 25, 25 क्या 25 मिनट्स, जैसा यूनिट होगा वैसा ही लेगा, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टंकी की क्षमता यहाँ पर बता दें। तो क्या है 25 मिनट्स हैं, रेट से मल्टीप्लाई कराएं, यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट वाली गलती कई लोग यहाँ पर कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। शायद इसका आंसर कितना 7500 आ रहा है, करके देखिए और कमेंट करके बताइए 7500 आ रहा है क्या, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी आगे देखते हैं, देखो यही सेम चीज़ है, 25 मिनट तो लगेंगे ही, कैपेसिटी जब रेट इनटू टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या फ़र्क होता है। लोग क्यों गलत करते हैं इस चीज़ को, वो ध्यान नहीं देते कि एक जगह सेकंड्स पे दिया और एक जगह दिया हुआ है मिनट्स पे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, हमेशा हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। इधर देखो कैपेसिटी इनटू रेट इनटू टाइम, तो रेट आपका क्या है 5 लीटर और टाइम क्या है 25 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ओवरऑल आंसर आपका 7500 लीटर आएगा। ये जितने लोग का आंसर आ रहा है वो लोग सही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने बताया, अब एक क्वेश्चन आपको मैं खुद से दूंगा, पहले इसको नोट कर लें, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है यार, कंफर्म डिफरेंट है, तो इसको करो, ये आज का होमवर्क का क्या पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है जो भी हो, देख लेना कि कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कौन सा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कमेंट किया करो ताकि मैं समझ जाऊँ, ठीक। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, भी क्वेश्चन अच्छा है, सो दिस इज़ होमवर्क नंबर टू, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ये सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बैंकिंग पर भी आ सकते हैं, अच्छे बनते हैं बट बैंकिंग वाले, लेकिन और भी थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी रखें अपनी, बैंकिंग वालों को ही पढ़ाऊंगा यार, सारी चीज़ें पढ़ानी है, एसएससी बैंकिंग जितने भी एग्जाम है सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी करना है, ये भी आपका होमवर्क है, आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी यार, करो इसको और मुझे बताओ क्या है, और नहीं आता है तो फिर कमेंट कर देना, मैं आपको वापस इनके आंसर्स बता दूंगा। अब बस इतना ही रखना है आज की डेट में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो आई होप आज के वीडियो में कुछ चीज़ समझ में आई होंगी। दोनों क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हैं, एक तो सिंपल है आप ध्यान रख लेंगे तो कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन है तगड़ा था जो लास्ट में रखा हुआ था, इसको आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। और भाई बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे सारे फ्रेंड के साथ, फैलाओ बिल्कुल सबके पास पहुँचाओ, मिनिमम टारगेट रखो कि अब हमें इसको बहुत तेज़ी से चैनल को आगे बढ़ाना है, सबके हेल्प चाहिए होगी मुझे यहाँ पर, तो भाई भेजो सबको यार, वेट मत करो इस चीज़ का, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, रेगुलर अपडेट नहीं मिलेंगे। तगड़े समय वीडियो बना रहा हूँ, हर दिन 2 वीडियो आ रहे हैं अभी, और पॉसिबल है यही फ्रीक्वेंसी बनी रहे, ज़्यादा भी हो सकती है बट कंसिस्टेंसी अब रहनी है, तो वीडियो मिस हो जाएंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन क्लिक कर लेना, अदरवाइज वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, और सारी चीज़ें मिलती रहें टाइम पे, तो आप 3 काम कर लें इसके, सारे ग्रुप्स को फॉलो कर लो, आपसे कोई नोटिफिकेशन कहीं मिस नहीं होगा। YouTube क्या करता है, YouTube में बेल आइकन आप दबा भी देते हो तो उसके बाद भी बेल सही नहीं बनी है, ठीक है, तो उसके बाद भी YouTube क्या करता है आपको नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता कई बार, तो उससे बेटर ये है कि आप मेरे सारे ग्रुप्स को फॉलो कर लें। FB ग्रुप 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक पे डाउट के लिए बना हुआ है और एक बना हुआ है आप लोगों का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, दोनों को फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। डाउट ग्रुप इज मैथ्स विद लॉजिक। FB पेज है द अचीवर जोन नाम से, उसको आप सर्च कर सकते हैं, उसको फॉलो कर लें, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो यार, मैं इन सभी पे तुरंत के तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तो लिंक वहाँ पर डाल देता हूँ, तो आपको वीडियो कभी मिस नहीं होगा। और सीटेट वाले लोग जो हैं जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी के सभी ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है। तो बस यार इतना ही, मेरे भी सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है वो आईडी नीचे दी हुई है,
तो आप उसके थ्रू मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट वन टू वन आप कनेक्ट में रह सकते हैं, राइट। तो चलो यार, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो। चलो टाटा।